नमस्कार, मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम इसरो के एक ऐसे कारनामे की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपका सिर गौरव से ऊंचा हो जाएगा। इसरो ने आज पहली बार विंग बॉडी, जिसको कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक सफल परीक्षण किया और दुनिया में अपने जोरदार प्रेजेंस का आगाज किया है। यह विंगमैन चिनुक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया और वहां से इसको एयर ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद इसके ऑटोनोमस लैंडिंग का टेस्ट किया गया। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि बिल्कुल जैसे कि बुक रूल बाय द बुक कहते हैं आप, उस प्रेसिजन के साथ ये सेफ लैंडिंग किया है। और सेफ लैंडिंग करने के साथ ही अब उस रॉकेट की संकल्पना लगभग करीब हो चुकी है जिसमें कि इसका इस्तेमाल करके सैटेलाइट को आसमान में भेजा जाएगा और फिर यह वापस आ जाएगी। इस तरह से सैटेलाइट विनिर्माण के क्षेत्र में इसरो का एक धमाकेदार प्रेजेंस होने वाला है और दुनिया के जितने भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जो कि सैटेलाइट का व्यवसाय करते हैं और सैटेलाइट छोड़ने के काम में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए इसरो ने एक ऐसा चैलेंज खड़ा किया है जिससे इसरो से कम्पीट कर पाना लगभग अब नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर सैटेलाइट लॉन्च बाजार की बात की जाए तो भारत अभी सिर्फ 2% हिस्सेदारी इसमें रखता है और यह 2% से बढ़ा करके यह 10% करना चाहता है। विश्व स्तर पर 2030 तक लगभग 17,000 छोटे सैटेलाइट को छोड़े जाने हैं और एक आंकड़े के अनुसार ये अभी 350 बिलियन का ये मार्केट है जो कि बढ़कर के 550 बिलियन तक का चला जाएगा। भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है वह लगभग 10% करना चाहती है। तो आखिर इस यान को बनाने की क्या योजना जरूरत पड़ गई है और क्यों आखिर चीन की पतलून गीली हो गई है और क्यों पाकिस्तान हैरान और परेशान है? क्या चीन की सैटेलाइट को उड़ाने की तैयारी में भारत है या क्या भारत अंतरिक्ष पुनः प्रयोग वाहन का उपयोग चीनी लक्ष्य पर बमबारी करने के लिए करने वाला है? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि चीन के तो होश खास्ता हो चुके हैं क्योंकि इस डबल यूज व्हीकल का उपयोग भारत किस तरीके से करेगा यह सिर्फ भारत को ही मालूम है और वो काफी चिंता में पड़ गए हैं कि ये आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी को इसरो इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है। क्योंकि इसरो ने आज एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन ये टेस्ट किया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ये चित्रदुर्ग वही जगह है जिसे कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR के नाम से भी जानते हैं हम। यह टेस्ट अपने आप में एक दुनिया का पहला टेस्ट है जिसमें कि एक ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन की टेस्ट करने के लिए एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आकाश में ले जाया गया एक हेलीकॉप्टर की मदद से जिसका नाम है चिनुक और फिर वहां से उसको ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए ड्रॉप कर दिया गया और यह सफलतापूर्वक अपनी गंतव्य स्थान पे ATR में ये लॉन्च होकर के और फिर वो स्टेबल होकर के लैंडिंग सेफ लैंडिंग कर लिया। इस तकनीक में अभी यह दुनिया का ये पहला इस तरह का टेस्ट है जबकि किसी हेलीकॉप्टर से किसी इस तरह के व्हीकल को ऊपर ले जा करके छोड़ दिया गया है और इस व्हीकल से जो चीन और पाकिस्तान है उसको सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता है कि ये टेक्नोलॉजी एक ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये जहाँ सैटेलाइट को आकाश में ले जाएगी, एक रॉकेट में इस व्हीकल को लगा दिया जाएगा और ये फिर ले करके एक रॉकेट को अपने ऑर्बिट में छोड़ेगी और ऑर्बिट से फिर ये सेफ लैंड कर जाएगी धरती पर। तो यह तो इसका एक सामान्य उपयोग है जो कि एक हर कोई जानता है, लेकिन इसका जो असामान्य उपयोग है जिससे कि चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, उसमें खास बात यह है कि इस व्हीकल का मदद आप हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को ऊपर ले जा करके और इसको आप एक सुपरसोनिक स्पीड में भेज सकते हैं और चीन के खास खास जगह पे आप एटम बम ड्रॉप कर सकते हैं और पाकिस्तान के खास जगह पर एटम बम ड्रॉप कर सकते हैं। चूंकि ये एक मिसाइल की तरह ना चल करके एक हवाई जहाज की तरह चलेगा और इतना कम समय देगा कि उस कम समय में आप इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और ये बम ड्रॉप करके आपके ऊपर आसानी से आ जाएगा। इसके साथ ही इसका जो इससे भी खतरनाक उपयोग है वह यह है कि यह व्हीकल जो आसमान में जो सैटेलाइट चीन ने छोड़ा हुआ है उस सैटेलाइट को ये पलक झपकते ही चुटकी में उसको ख़त्म कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा
अभी तक जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जाता है वो एक रॉकेट और रॉकेट छोड़ करके किया जाता है, और उस रॉकेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये रीयूजेबल व्हीकल है तो ये बिल्कुल उस सैटेलाइट के करीब जाएगा और छोटे से हथियार से भी ये उस पर वॉर करके और फिर से ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सैटेलाइट वो काफ़ी कम होगा। इस वजह से चीन की नींद उड़ चुकी है कि अब इसका वो काट क्या निकालेगा और कैसे अपनी सैटेलाइट को सुरक्षा करेगा। चीन एक ऐसा कंट्री है जिसके पास की इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे कि वो सैटेलाइट को डैमेज करता है, लेकिन भारत की इस अद्भुत टेक्नोलॉजी का जिसमें कि खर्चा नगण्य के बराबर होगा और सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और ये एट व्हील छोड़ा जाएगा, मीन्स एक रॉकेट को जब आप छोड़ते हैं तो उसकी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और तब जाकर के वो एक्टिव होता है कि किसी जगह पे उसको आप छोड़ सकते हैं। जबकि इसको आप हेलीकॉप्टर में लेकर के या किसी भी छोटे रॉकेट पे लॉन्चर से इसको आप लॉन्च कर देंगे और ये जा करके अपने मिशन को अंजाम दे करके चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी टू डिस्ट्रॉय कंडीशंस में राउंड द क्लॉक बनी रहेंगी। यही खतरा चीन के लिए सबसे बड़ी खतरा हो गई। चीन अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से दुनिया को ये दिखाते रहता है और डर बनाते रहता है कि हम आपके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ये व्हीकल बन जाने से और जिस तरह से इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसरो ने, उसके लिए एक जय हिंद तो बनता ही है। उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस कंटेंट को दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करने का आप लगातार प्रयास करें। आपका मोटिवेशन ही हमारा पूंजी है। धन्यवाद।